सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे कबड्डी क्वेने एपिसोड नंबर 2 में। एंड यहाँ पे मैंने आप सभी के क्वेश्चन पिक किए जो आपने कबड्डी के रिगार्डिंग पूछे। तो दोस्तों, वीडियो होने लगा बहुत इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास कोई भी कबड्डी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे होते, इन्फॉर्मेटिव होते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों, यहां पे बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो गाइस, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है GNS ने। इन्होंने पूछा है कि हु इज योर बेस्ट ट्रेडर एंड बेस्ट डिफेंडर, प्लीज टेल मी। यानी कि इनका कहना है कि मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट ट्रेडर एंड बेस्ट डिफेंडर है। अब मेरे लिए, जब मैं स्टार्टिंग में, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग 2 सीजन्स में सिर्फ PKL देखता था, एंड अभी से फिलहाल 1 साल पहले से मैं कबड्डी पे वीडियोस डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक व्यूअर के हिसाब से मेरा बेस्ट ट्रेडर एंड बेस्ट डिफेंडर कौन है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे बेस्ट ट्रेडर जो थे वो यहाँ पे अनूप कुमार है एंड प्रदीप नरवाल, ये 2 बेस्ट ट्रेडर है। एंड वही बात के डिफेंडर की, तो गाइस यहाँ पे मोहित चिल्लर एंड साथ ही साथ सुरेंद्र नारा, ये 2 मेरे बेस्ट डिफेंडर है एंड बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे बेस्ट की बात हो तो गाइस मैंने इनको सिलेक्ट किया। आपके कौन बेस्ट ट्रेडर एंड बेस्ट डिफेंडर है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा इशू मोहम्मद ने। इन्होंने पूछा कि भाई क्या प्रदीप नरवाल एंड मोनू गोयत एक साथ दिखेंगे, फिर से प्लीज आंसर दो। अब यहाँ पे मेरे कहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पटना पायरेट्स के फ्रेंचाइज को सोचना होगा। अगर पटना पायरेट्स की टीम, अगर मोनू गोयत, सबसे पहले अगर मोनू गोयत ऑक्शन में जाते एंड पटना पायरेट्स की टीम कैसे भी करके मोनू गोयत को खरीद लेती है, तो हाँ अफकोर्स पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से प्रदीप नरवाल एंड मोनू गोयत फिर से दिख जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर प्रदीप नरवाल ऑक्शन में जाते एंड हरियाणा स्टीलर्स की टीम खरीद लेती है, तो यहाँ पे मोनू गोयत एंड प्रदीप नरवाल दोनों एक साथ हरियाणा स्टीलर्स की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब टीम्स के ऊपर है, फ्रेंचाइज के ऊपर है, यहाँ पे कहने से कुछ नहीं हो जाता है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सुब्रसिल बोबनिक ने पूछा है, आप कबड्डी ऑफिशियल से आज करो PKL कब स्टार्ट होगा, आपका फेवरेट टीम कौन सा है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कबड्डी ऑफिशियल से मेरा कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स है जिनका लिंक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत साल से यहाँ पे कबड्डी के वीडियोस डाल रहे हैं एंड यहाँ पे इस कैटेगरी में अभी फिलहाल मैं नया चैनल हूँ, मुझे भी ज़्यादा पहचान नहीं है किसी ऑफिशियल से। एंड जिनका पहचान है, जिनका लिंक है ऑफिशियल से, उनसे भी मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ, क्या अपडेट आया, तो उनका यही कहना है कि अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया, अभी तक जो PKL 8 का प्रिपरेशन है वो अभी तक कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। तो गाइस उसी के हिसाब से मैं अपडेट मिलता है एंड मैं वीडियो आपको बता देता हूँ कि ये अपडेट आया। लेकिन यहाँ पे मैं कभी भी ऐसा नहीं कि कोई भी अपडेट आया तो सबसे पहले मैं ही डाला, बिकॉज सबसे पहले अपडेट जो यूट्यूबर्स है उनको मिलती है, देन उसके थ्रू हम लोग को मिलती है। तो यहाँ पे हम उस टाइप के वीडियोस डालते हैं। जिस दिन हमें कबड्डी का ऑफिशियल्स के सब लिंक हो जाएगा तो हम जरूर पूछेंगे कि PKL कब स्टार्ट होगा। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है। तो स्टार्टिंग में जब सीजन 1 सीजन 2 था तो यहाँ पे मेरा यूम फेवरेट टीम थी, एंड अभी फिलहाल करेंटली मेरी फेवरेट टीम पटना पायरेट्स है। ऐसा नहीं है कि पटना पायरेट्स, प्रदीप नरवाल पटना पायरेट्स में इसलिए मेरा फेवरेट नहीं, मैं बिहार से हूँ इसलिए मेरी फेवरेट टीम पटना पायरेट्स है। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पूछा है प्रिंस मलिक ने। इन्होंने पूछा है कि संदीप कंडोला क्या PKL 8 में खेलेंगे। हाँ अफकोर्स संदीप कंडोला PKL 8 में खेलेंगे। स्टार्टिंग में संदीप कंडोला हमें दिखे थे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ सालों से संदीप कंडोला नहीं खेल रहे एंड यहाँ पे PKL 8 में संदीप कंडोला की वापसी होने वाली है। इस पर मैंने ऑलरेडी अभी तक कोई भी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी बना रखा है, आप वाला वीडियो जाके देख सकते हो। जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे रोहित कश्यप ने पूछा। इन्होंने पूछा क्या तेलुगु टाइटंस राहुल चौधरी को खरीदेगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने शायद से इसके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी अपने मेन चैनल पे दे रखा है, तो मैं आपको फिर भी बता दूं, यहाँ पे राहुल चौधरी जिस हिसाब के प्लेयर है, जिस हिसाब के क्वालिटी के प्लेयर है, वो यहाँ तमिल थलाइवास उनको रिलीज नहीं करना चाहेगी। अगर तमिल थलाइवास की टीम इनको रिलीज कर देती है तो यहाँ पे मे भी तेलुगु टाइटंस की टीम यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा दे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चांसेस यही निकल के आता है कि यहाँ पे तमिल थलाइवास जो राहुल चौधरी है उनको रिटेन कर ले। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि PKL 8 में तमिल थलाइवास की टीम से ही राहुल चौधरी हमें खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो गाइस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी कबड्डी के रिलेटेड डाउट्स है, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा एंड अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको थोड़ी पसंद है को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब करते ही हमारे कबड्डी सुपर फैन फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।